हाय गाइस, तो आज मैं फिर से कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि आज का दिन काफ़ी स्पेशल है। हम जाने वाले हैं गुड़गांव, बट उससे पहले मुझे चेंज करना है और मैं जा रही हूँ चेंज करके जिम। मैं जिम के लिए निकली तो वहाँ पे देखा एक अच्छी सी बर्थडे पार्टी हो रही थी, जो कि जनरली यहाँ पे होती रहती है। मैंने फटाफट अपना वर्कआउट ख़त्म किया, मुझे लिटरली हाफ एन आवर ही मिला था। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे थे, तो इसीलिए मैंने जल्दी से अपना वर्कआउट ख़त्म किया और ख़त्म करके मैं घर पहुँची। पहुँच के मैंने सारा पैक किया और फिर हम निकल गए गुड़गांव जाने के लिए। ऑलरेडी हम शायद 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड निकले थे और टाइम दिखा रहा था 10:30। अब हम घर जा रहे हैं, गुड्डू के मतलब रिचा के घर पे जा रहे हैं, जो कि राहुल की सिस्टर है। और देखो यहाँ पे सामने दिल्ली हमने जाते हुए देखा, जो कि मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया क्योंकि G20 के बाद मैं पहली बार दिल्ली में आई थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और ये थोड़ा सा अभी इसको मैंने कार सीट पर बैठा दिया है, बट इसको 2 घंटे बैठाना कार सीट पर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मेरे को कार सीट से उतारो। पर मेरी कोशिश रहती है कि इसे बैठे रहने दो, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ फील करती हूँ मैं उसमें भी, और ये भी सेफ्टी रहती है उसकी, इसके लिए भी वहाँ पे। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं गुड़गांव, और जैसे ही हम घर पहुँचे तो बाकी सारे लोग सो चुके थे, बस ये 2 लोग जगे हुए थे। मतलब सो चुके थे क्या, रूम में जा चुके थे अपने, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। और फिर इन्होंने अपना नया एक्वेरियम दिखाया, क्योंकि डड्डू को बहुत ज़्यादा शौक है मछली का, फिश का, तो उसको पूरे टाइम उसको वही दिखा रहे थे, मछली वगैरह। और इसको देखो कैसे मस्त सारे घर में घूम रही है ये, इसको ऐसे बड़ा सा स्पेस मिल गया यहाँ पे घूमने के लिए, तो एकदम हैप्पी हैप्पी है। लाइक बुआ एंड फूफू एंड सारे घर में सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि जब ये लास्ट टाइम आई थी तब ये बहुत छोटी थी और अब ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर पा रही थी, तो इसलिए उसको और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर आते ही हमने इसके कपड़े चेंज किए, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, नाइट वेयर पहनाया मैंने इसको। और उसके बाद हम लोगों ने अपना बैठे, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला था आने के बाद से, सब लोग इसी के आगे पीछे घूम रहे थे, सबको इसी के साथ खेलना होता है जब से ये हुई है। हम लोग सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए थे, फिर हम लोगों ने थोड़ी बातें बातें करी, थोड़ा पास्ता खाया जो कि काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। एंड काफ़ी देर बातें बातें करके हमने सोचा सो जाते हैं, क्योंकि जब तक मैं नहीं सोऊंगी ना ये भी नहीं सोती है, तो ऑलरेडी लेट हो गया था, तो हमने सोचा अब सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं किचन में गई तो मैंने देखा ब्रेकफास्ट की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ पे सब लोग जल्दी उठ जाते हैं 6 साढ़े 6 के अराउंड, एंड ब्रेकफास्ट में सबके लिए बना था ब्रेड, ऑमलेट एंड चाय, एंड सबने वो अच्छे से खाया, बस मैं नहीं खाती हूँ तो मैंने खाए ओट्स। एंड लकीली आज का वेदर बहुत अच्छा था, बारिश होने वाली थी, बारिश तो नहीं हुई थी बट हवा बहुत अच्छी चल रही थी। प्लस सबसे अच्छा फायदा होता है ना, अगर आपका पूरा घर है ग्राउंड फ्लोर से, तो उसमें फायदा ही होता है कि आप कभी भी बाहर घूम सकते हो। एंड अभी यहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स नहीं बनी है, तो और अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने में। इसके डड्डू के भी बहुत मजे आ रहे हैं, मस्त गाड़ी वाड़ी में घूम रही थी। एंड आज स्पेशल लंच बना रही है रिचा, जिसमें बनने वाले हैं हमारे ऑथेंटिक लिट्टी चोखा। तो इसने ये सत्तू है, उसके अंदर प्याज है, मसाले हैं, साथ में धनिया पत्ता डल रहा है, मतलब काट रही है और डाल रही है। एंड इसकी तैयारी हो रही थी हमारे लंच की, क्योंकि मम्मी पापा भी आने वाले थे लंच टाइम पे, तो इसलिए सब फैमिली गेट टुगेदर था और मस्त अच्छा स्पेशल लंच बन रहा था। साथ में बन रहा था बैगन का भरता, और आप देख सकते हो थोड़ी मेहनत मैंने भी कर दी, मेहनत कह लो या थोड़ी हेल्प कह लो, जस्ट इट वाज जस्ट फॉर शो ऑफ। मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, सारी मेहनत रिचा ने की थी। एंड बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, पहले मैं आपको दिखाती हूँ ओवरऑल उसका लुक कैसा था। मतलब बहुत ही अच्छा था, चटनी थी, भरता था, साथ में लस्सी थी जो कि यहाँ पे मिसिंग है अभी। एंड उसके बाद सबने लंच कर लिया, उसके बाद हम सबने लंच किया साथ में। मैंने थोड़ा सा टेस्ट करा पहले, जो कि मुझे खा के ऐसे लगा तृप्ति, मतलब बहुत ही टेस्टी लिट्टी चोखा बना था, और इतना हैवी हो चुका था ना इसका फिलिंग, और इतना टेस्टी और इतना सेटिस्फैक्ट्री लंच था ना ये, और लस्सी साथ में खा के एकदम मज़ा आ गया था। तो हमने यहाँ पे मस्त अच्छा सा टेस्टी सा लंच किया, एंड उसके बाद हमने इसको नहला दिया था तैयार करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम मौसी जी कितने मस्त स्कूटी चला रही थी, मैंने पहली बार देखा था इनको चलाते हुए, तो मैंने कहा रुको आप मेरे को रिकॉर्ड करने दो आपको स्कूटी चलाते हुए। कभी कभी मुझे भी लगता है काश मुझे भी ऐसे स्कूटी चलानी आ जाए। एनीवे उसके बाद शाम के टाइम हम लोग निकल गए वॉक करने के लिए, क्योंकि जो हमने दिन में लंच किया था ना हैवी वाला, वो उसको खाने के बाद से लिटरली डिनर करने का तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ पे। ऑल दो वॉक करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, जब मर्जी निकल जाओ, एक तो फुल स्ट्रीट्स है, कोई ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो मज़ा आता है देखने में भी और घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखो ये मस्त कैसे घूम रही है, ये लोग सब इसको भी वॉक करा रहे हैं साथ साथ, इसको भी बहुत मज़े आ रहे थे, एकदम मस्ती कर रही थी ये फुल ऑन। जैसे ही वॉक करके वापस आए तब तक डिनर की तैयारी हो चुकी थी, मतलब डिनर बन चुका था, बट मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था डिनर करने का। और इसको देखो ये इस पे से उतर ही नहीं रही है, हाँ मतलब इसी पे बैठी हुई है जब से सुबह से, जब से आए हैं हम तब से बार बार गाड़ी 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 करके कभी इसमें बैठ के खाना खा रही है, उसी में मस्त आराम से घूम रही है अंदर ही। तो उसमें इन्होंने सिस्टम लगा दिया कि वो आगे पीछे उतरेगी थोड़ा थोड़ा जब तक हम डिनर कर रहे हैं, सब लोग तब तक ऐसे हिलता रहेगा, तो देख लो क्या मज़े आ रहे हैं इसके। इसके बाद सबने डिनर विनर कर लिया, और हम मैंने और रिचा ने डिनर नहीं किया था, हम लोग फिर ऊपर गए, वहाँ पर भी इसने खूब मस्ती करी, फुल ऑन जोश में थी ये। आप देखो इसको कैसे इसने सब तरह के सारी चीजें आपने दिखा दी कि इसको क्या क्या आता है।
अभी फिलहाल हम तीनों ही थे रूम में और ये बहुत ज़्यादा खेल रही थी मतलब राहुल के साथ, एंड इसकी आवाज़ सुन करके गुड्डू और अमन भी आ गए थे ऊपर, एंड दे बोथ स्टार्टेड प्लेइंग विद आवर। इसकी मस्ती देखो आप कैसी है, इसको यही सब चाहिए पूरे टाइम। एंड देखो इसको आजकल ये गुस्सा करने लगी है, जस्ट फोल्ड अवर हैंड्स एंड से डडू गुच्छा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमसे ही सीखती है। एनीवे फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाहर बैठे छत पर जहाँ पर हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी, मज़े किए, एंड बाय द टाइम रात के 12-12 बज गए और हमें लग गई भूख। तो इसीलिए मैंने और रिचा ने ऑर्डर करा सैलड और एक फलाफल पीता पॉकेट चिकन सैलड है जो कि मेरी फेवरेट है सैलड डेज से। चिकन आलमंड सैलड मैं दिखाऊंगी अभी आपको, जैसे ही पता चला कैमरा ऑन है रिचा लगी अपने बाल वाल ठीक करने में, वैसे बनता भी है। तो ये हमारी छोटी सी पार्टी हो रही थी जब सब लोग जाके सो चुके थे, मतलब सब लोगों का टाइम हो चुका था सोने का, सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। तो हमने सोचा अब खाना वाना खाते हैं, थोड़ा वाइन वगैरह लेते हैं और पार्टी करते हैं। ये देखो ये है मेरी सैलड, एंड इसके साथ में ड्रेसिंग आती है लेमन डिजॉन की ड्रेसिंग है जो कि इसके ऊपर डालो, मस्त लगती है, टेस्टी। और रिचा का जो फलाफल पीटा पॉकेट था वो भी बहुत टेस्टी था, सैलेड तो खैर थी ही बहुत अमेजिंग, खा के इट वाज रियली नाइस एंड बड़ा मजा आ रहा था। अपने पार्टी मूड में थे, एंड ये रिचा का फलाफल पॉकेट है जो कि काफी ज्यादा बाहर निकल चुका था बट खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी था, ऐसा नहीं है। एंड फुल ऑन हम गॉसिप वॉसिप कर रहे थे एंड यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे थे, इतने में अमन ने कैमरा खोला एंड रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। भाभी कैसे मजे कर रही है, और अभी दिखाओगे भैया अंदर, भैया बेचारे बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे। सो बेसिकली इट वॉज एक्चुअली हैपनिंग, एंड राहुल उसको जैसे ही सुला के बाहर आया ना, ये इसने रोना शुरू कर दिया। एंड देख लो रात के 1:30 बज गए हैं हमें ये सब करते करते, और ये मैडम जगी हुई हैं। इसको ऐसा है, जब तक इसको फोमो होता रहता है जब तक बाहर लोग बैठे हुए हैं इसको देखना है कि बाहर क्या हो रहा है। एंड इसको भी खाना देख के भूख लग गई थी लाइक मी, सो इसको भी हमने थोड़ा बहुत खिलाया है। एंड उसके बाद हमने कोशिश करी कि ये सो जाए, यहाँ पे देखो अमन इसको कोशिश कर रहा है पहली कि ये सो जाए, बट ये लग ही नहीं रहा था ये सोने के मूड में, ये फुल ऑन मस्ती मूड में थी। अगेन इसका ये था जब तक तुम लोग नहीं सोओगे तो मैं नहीं सोने वाली, इसलिए हमने फिर से वही किया, हमने हम भी इसके साथ साथ सोए एंड तभी जाके ये सोई एक्चुअली। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा टाइम हो चुका था निकलने का, घर वापस जाने का मन तो नहीं था लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो बाकी सब लोग टाटा बाय बाय कर रहे थे सबको, और भैया और गुड्डू इसके साथ खेल रहे थे मीनवाइल के चलो बाय बाय। तो इसी के साथ हम लोग बैठे गाड़ी में, वहाँ से निकले और निकल के हम लोग सिर्फ गेट तक ही पहुँचे थे तो राहुल को याद आया कि हमको कुछ सामान रह गया, बट पहले इसे देख लो ज़रा आप, ये पूरे टाइम मैंने इसको कार सीट में बैठाया हुआ, अभी बेल्ट नहीं लगाई है क्योंकि कार की स्पीड भी बहुत स्लो है, और अभी हम लोग एक्चुअली साइड में लगाने वाले हैं गाड़ी क्योंकि मम्मी पापा आने वाले थे, जो राहुल का सामान रह गया था उनके पास तो वो लोग हमारे से बाद में निकले थे, तो इसलिए हमें वो सामान उनसे पिक करना था, तो इसीलिए हमने फिर उनका रुक के वेट किया। फिर वो लोग आए, उन्होंने हमें सामान दिया और उसके बाद हमने उन्हें टाटा बाय बाय करा, और इस तरह से हमारा रहा वीकेंड का ये फुल वीकेंड ट्रिप जिसमें बहुत ही मज़ा आया। सो या दैट्स इट, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।